हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता करारे और क्रिस्पी अरबी के पत्तों का ये स्नैक्स, जिसको आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने का ज़रूर मन करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल भिगो लिया था। आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें हम डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो। थोड़ा सा ले लेंगे हरा धनिया, और 1 इंच अदरक को हम चॉप करके ले लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर में डाल के इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमने इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हमें थोड़ा पतला लग रहा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी थोड़ा पतला लग रहा है, तो हमें इसमें 1 चम्मच बेसन और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा पेस्ट परफेक्टली बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमें इस तरीके से करना है। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और खट्टे के लिए नींबू डालेंगे। आप यहाँ पे दही या आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। खटाई डालना यहाँ कंपलसरी होता है, वरना गले में जाके ये खुजलाते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अपना बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे, और अरबी के पत्तों को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था, तो वो भी ले लेंगे। और एक थाली को हमें उल्टा करके ले लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें एक पत्ता उठाना है, और उसमें हाथों की हेल्प से पूरे पत्ते में बैटर को अच्छे तरीके से फैला लेना है। और इसी तरीके से हमें एक और पत्ता उठाना है, और उसमें भी अच्छे तरीके से बैटर को फैला लेना है। 2 पत्तों में लगा लेने के बाद हमें एक और पत्ता लेना है, और उसमें भी अच्छे से सारा बैटर फैला लेना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पत्तों की लेयर लिया है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे पत्तों में अच्छे से लगा लेने के बाद हमें एक तरफ से इस तरीके से मोड़ लेना है, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा बैटर लगा लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ से भी इस तरीके से मोड़ लेना है, और उसमें भी थोड़ा सा बैटर लगा लेना है। दोनों तरफ से मोड़ लेने के बाद हमें ऊपर से थोड़ा सा मोड़ के उसमें भी थोड़ा सा बैटर लगा लेना है। और अब इसे हम इस तरीके से रोल रोल कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। और लास्ट में हमें थोड़ा सा बैटर ले लेना है, और इसे अच्छे से चिपका देना है। ये देखिए, हमने एक बना लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों बना लिया है, और इसे हमें अब स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने पानी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो मेरे पास स्टीमर नहीं था। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में स्टैंड रख के ये कद्दूकस करने वाला जो है उसी के ऊपर रख दिया है, और इसे हम ऊपर से ढक के 10 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम में पका लेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, और ढक्कन मैंने उठा लिया है। अब मैं आपको चम्मच डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम इजीली निकाल लेंगे, और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसे 5 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधी आधी इंच की दूरी पे इसे काटा है। आप इसे मोटा या पतला काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप काटेंगे ना, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे काट लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ, और ऑयल भी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके ऑयल में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऑयल में जितनी स्पेस होगी उतना आप एक बार में डाल सकते हैं, और डालते समय हमें ऑयल को हाई फ्लेम में रखना है। तो यहाँ पे हमने अपने सारे डाल दिए हैं,
अब हमें एक साइड से इसे अच्छे से क्रिस्पी होने देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड का शेयर भी करिएगा। तो देखिए, हमारा एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो देखिए, ये एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं होंगे, ठंडे होने के बाद भी एकदम क्रिस्पी लगेंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और इसके साथ हमें चटनी या सॉस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।